हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि मात्र वो मात्र तीन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो, तीन ट्रिक अगर आप जान गए तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने डाल रखा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो बस ये ट्रिक लगाइए। तो मैंने तीन ट्रिक ले रखा है आपको लगाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला जो ट्रिक है यहाँ पर, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है बोर्ड एग्जाम में, चाहे कहीं भी, तो आपको उस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल भी ले रखा है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻¹⁵ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो, ये पढ़ने के बाद हमारा ट्रिक नंबर दो इसमें कार्य कर जाता है। अब ट्रिक नंबर दो क्या है, न्यूमेरिकल में दिए गए वैल्यूज को लिखिए। सबसे पहला आपको काम करना है, जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू है उसको लिखना है, ठीक है, यानी जो भी मान दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मान को दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हल करने के लिए हल लिखना होता है, ठीक है। आप कहीं भी हल करिए, ये ब्लैक पेन से हल लिखने के बाद इस तरह से, इसके बाद आपको लिख देना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया होता है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को लिखना है हमें, दो बिंदु के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो यानी विभवांतर भी बराबर दे रखा है आपका 60 वोल्ट। इसके बाद दे रखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻¹⁵ कूलम आवेश को ले जाने में, यानी आवेश क्यू की वैल्यू दे रखा है, क्यू बराबर 3×10⁻¹⁵ कूलम। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू बराबर आपका दे दिया क्वेश्चन मार्क। इस चीज को आपको समझना है। अब देखो, चीज़ों को समझेंगे कैसे, यहाँ पे अब स्टेप नंबर थर्ड जो काम करेगा वो काम करेगा। अब सोचिए कि न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो, ये सब चीज़ें अगर निकल जाती ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फार्मूला को समझना। अब आप ये जानिए कि इसमें जो भी फार्मूला लगेगा वो क्यूब उसमें भी रहेगा, डब्लू भी आना चाहिए और भी आना चाहिए, तभी यहाँ पे फार्मूला फिट होगा, अदरवाइज कोई भी फार्मूला ऐसा फिट नहीं होगा। तो देखो, इस तरह के फार्मूले हम जानते हैं। अब फार्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, और लिख देना कि हम जानते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आपको जो भी इसमें क्वांटिटी को रखते हैं, ठीक है, उसको बगल में इस तरह से, जैसे साइन 30 अंश का वैल्यू, साइन 60 अंश की वैल्यू आपको बगल में दिखा देना है। यहाँ कितना के बराबर क्या होता है, साइन थीटा 90 अंश बराबर क्या होता है, तो वो बगल में दिखा देना चाहिए। कोई भी वैल्यू का पुट करते हो तो बगल में दिखा देते हो, तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। अब ये तीसरा स्टेप होता है कि आप सोचिए कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि वी बराबर होता है W बाई क्यू, विभवान्तर बराबर कार्य बटे के आवेश। अब इसमें तो V की वैल्यू दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखा है, W की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हमको क्या निकलना है, W की वैल्यू निकलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे W फाइंड हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर W आप फाइंड करेंगे तो W अपने जगह पर रहेगा, ये गुड़ा में इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको इस तरह से लगा देना, ठीक है। इससे पता चलता है कि इस बंदे ने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया है। तो W बराबर आपका हो जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है। W अपने जगह पे, Q इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये चीज़ हमें मिल गया, अब यही पूछ रखा है, ठीक है, कार्य बराबर पूछ रखा है। V की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 60 वोल्ट दे रखा है, तो लिख देंगे 60 वोल्ट। फिर इसके बाद इंटू है तो इंटू लगा देते हैं, और क्यू की वैल्यू 3×10⁻¹⁵ है, 3×10⁻¹⁵ है। अब कार्य का मात्रक, देखो लास्ट में आपको मात्रक जरूर लिखना चाहिए, जिसका भी मात्रक आपको यहाँ पे लिखना है तभी आपको इसके भी मार्क्स आधा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से हो गया का डब्लू बराबर, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180 हो जाएगा, 10⁻¹⁵ जूल। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर, इसमें 100 से भाग देंगे तो 1.8 हो जाएगा, गुणित्ते या आप समझ सकते हैं एक दो स्थान पे जब दशमलव को आगे लाते हैं तो इसमें से ये घट जाता है, 10⁻¹⁵
माइनस 3। जूल आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इतना आंसर लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इस तरह से अंडरग्राउंड करके यहाँ पे आपको आंसर ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को इन तीन स्टेप को फॉलो कर आसानी से लगा सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।